हाँ जी हैलो स्टूडेंट्स, अज आप डेफिनेट इंटैग्रेशन पार्ट थ्री ते आ गए हैं। तो देखो तीन चार पार्ट आप बिना प्रॉपर्टीज़ तो करांगे, जो थोड़े जे घट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस तो बाद फिर आप प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन करांगे, ठीक है जी। सो डेफिनेट इंटैग्रल वाले क्वेश्चन जेड़े हैं वो सक्सैस फाइल विच नहीं है, ठीक है। 15-20 डेज के जी है जी नवी सक्सैस फाइल मिलेगी थोड़े को सारिया चीज़ा इनकलूड आप कर देंगे थोड़े को, ठीक है जी। और एप्लीकेशन से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सारिया चीज़ें कर दी जाएगी, ठीक हो गया जी। सो जीरो तो पाई बाय टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स आप डी एक्स रख लिया जी, इनू की करना साफ नज़र आ रहा जी बाय पार्ट्स करना है। इनू पहला कह लो, इनू दूजा कह लो, पहला एज इट इज़, दूजे की इंटैग्रेशन, ठीक है जी। कॉस की इंटैग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू, ठीक है जी। लिमिट नाल नाल लिखी जानी, निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव वन, दूजा आ वाला साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। सो डी एक्स जीरो तो लैके पाई बाय टू, ठीक है जी। सो एक स्टेप ची हो गया सारा, अपर माइनस लोअर, ठीक है जी। साइन टू एक्स है, अपर माइनस लोअर, पहला पाई बाय टू, फिर साइन, क्योंकि इतने दो है, इतने पाई बाय टू, नीचे दो, माइनस जीरो, तो जोड़ा हैगा उस तो बाद वन बाय टू बाहर आ गया, इतने बन गया साइन टू एक्स डी एक्स जीरो तो पाई बाय टू। आ टर्म सारी जीरो होगी, किमें जीरो होगी जी, क्योंकि इन्हें कटता, ठीक है। साइन पाई जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो आता जीरो होगी, वन बाय टू साइन द माइनस कॉस टू एक्स बाय टू, ठीक है जी। जीरो तो पाई बाय टू, सो वन बाय फोर बार आ गया, कॉस जीरो तो पाई बाय टू, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं, इतने कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, क्योंकि पाई बाय टू जाएगा, टू ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वन बाय फोर अंदर कौन आ गया, माइनस वन, माइनस दो बटा चार, माइनस वन बाय टू, थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो हो गया जी क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्ते। मैं थोनों कल भी किया सी पिछले लैक्चर से, यानी कि ठीक है जी, वो थोनों मैं ये किया सीगा थोड़े को, भाई अगर थोनों पिछली इंटैग्रेशन आती है दैन जस्ट ए रेपीटिशन है, सिर्फ एक आप लिमिट्स भरनिया है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर दो, इस करके टाइम घट लगता है, क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, इंटैग्रेशन ऐसी फैसिलिटी नहीं सी थोड़े को, ठीक है जी। सो अगे अपना जोड़ा क्वेश्चन है वह हैगा जीरो तो दो पाई, ठीक है, ई दी पावर एक्स बाय टू इंटू साइन ऑफ पाई बाय फोर। सो ए वाली चीज़ हैगी है थोड़े को, तो ये वाली चीज़ होगी जी थोड़े को, ठीक है जी। सो जे थोड़े को डायरैक्टली जे आपां लगता है थोड़े पास भी कोई कन्फ्यूजन होंदी है या कुछ है, देखो दो ऑप्शनस ने थोड़े को, दो ऑप्शनस ने, एक ऑप्शन है बस सीधा बाई पार्ट्स लगाओ गल खत्म है, दूसरी ऑप्शन की है? दूसरी ऑप्शन ये है भी पहला फार्मूला खोल लो फिर लगाओ। सो जिदा मर्जी कर लो, थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन करनी है ना, तो पहला इनू कह लें, इनू दूजा, चलो सीधा ही कर दें, फार्मूला खोलोगे लंबा हो जाएगा बट क्वेश्चन सौखा हो जाता है, इनू ध्यान ना करना। पहला एज इट इज़, पहला एज इट इज़ साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन ई दी पावर एक्स बाई टू की इंटैग्रेशन नीचे वन बाय टू, ये जीरो तो दो पाई आ गया, निशानी माइनस दी, पहले का डेरीवेटिव साइन द, ठीक है जी। इस रेपीटेटिव इंटैग्रेशन की वारी आ सकती है क्योंकि इन्हें जोड़ा हैगा, हाँ जी। सो ध्यान देखियो जी, आपने की किया, पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन, ठीक है, दूजे की इंटैग्रेशन होगी होगी, निशानी माइनस दी, पहले का डेरीवेटिव साइन का डेरीवेटिव कॉस पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू नाल वन बाय टू, ठीक है। आ वाली टर्म एज इट इज़ जीरो तो, सो आधा कैंसल हो जानी है, ठीक है। हुण तुसीं इत्थे देखो जरा, अगर आपां फिल करते हैं तो की सिचुएशन बनती हैगी है तुहाडे कोल, तो अगर आपां देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, आ दो तां अगे चले जाऊगा, चलो मैं दोनों इधर लिख लैंदा वा, अपर साइन टू पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, अपर लिमिट, ठीक है जी, आ रही अपर उरे आई, आ दो अगे है, तो ई दी पावर पाई, ये हैगा अपर, ठीक है जी। सो टू साइन, इन्हें इतने आना जी, दो पाई बाय दो आ लिखता, मैं पहला लिखता इतने लिख दिता, ई दी पावर दो पाई एक कट गया, वन बाय टू आ गया, माइनस जीरो
माइनस जीरो, ठीक है जी, जीरो पर हो गए तो साइन पाई बाई फोर ही रह जाएगा, ई दी पावर जीरो वन हों, सो इन्नी चीज़ बन गई थोड़े को, ठीक है जी। सो यदा ना असी इतने आई वन रख दें, ठीक, आई वन नू असी वैलुएट करना अजे बाकी है, ठीक हो गया जी। अगर आप आई वन नहीं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं, तुसी वैलुएट कर दो, कन्फ्यूज़ नहीं होना, इधरों आई रख लो क्योंकि जब रेपीटेशन होंगी है तो परले पासे जाना बनता है, इस करके थोड़ा जहा क्वेश्चन ने ध्यान ना करना बनता है, ठीक है जी। हूँ इस क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अपर माइनस लोअर तो मुक्त हो गए, हूँ असी अपर माइनस लोअर अपना कर लिया हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हूँ जिहड़ी वारी हैगी परले दी आनी है, और इस पासे आई चल ही रहा, परले दे विच आनी है, तो हूँ आह वाली चीज़ मैं इधर लिखन लग गया। उत्थे देखो पहला एज इट इज़ तो दूजे की इंटैग्रेशन, ठीक है, तो पहला मैं इनू लैंना, दूजा मैं इनू लैंना, पहला एज इट इज़, सो कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, पहला दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस दी, पहले का डेरीवेटिव, कॉस का माइनस साइन, नाल वन बाई टू, तो आह वाली चीज़ ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जीरो तो दो पाई, ये हैगा ही हैगा, ये तो इस विच भी लिमिट तो हैगी है जीरो तो दो पाई, आगे जो है वह है ही है थोड़े को, ठीक है जी। हुण जरा आप जे ध्यान नाल देखिए आ वाली चीज़, अगर तुसी देखो इसने इसनों कट दिता, इन्हें माइनस माइनस प्लस, इन्हें जाके थोड़े को जड़ा हैगा है, हाँ जी, इतने बहुत ध्यान नाल देखने वाली चीज़ है क्योंकि रेपीटेटिव इंटैग्रल की एग्जाम्पल है। अगर मैं आ वाली चीज़ देखा, इस माइनस इसको प्लस कर देना, इसने इसको फिर नैगेटिव कर देना, तो यह नैगेटिव साइन ई दी पावर है आ सारा आ गया, यानी कि यह नैगेटिव आई उधर जाके डबल आई बन जाएगी। सो मतलब थोड़े को कुल मिला के की होया भी इतने तो थोड़ा दो आई हो गया, पहली जिहड़ी ब्रैकेट है साइन पाई प्लस तीजा पाई बाई फोर माइनस अंडर रूट टू, ठीक है, ई दी पावर पाई माइनस वन बाय अंडर रूट टू, ये तो थोड़ी पहली ब्रैकेट आ गई। उस तो बाद इस ब्रैकेट ने आगे जाना सीगा, तो ये ब्रैकेट तो हैगी हैगी है, सो ये बन गई कॉस दो पाई बाय टू प्लस पाई बाय फोर, ठीक हो गया जी, इंटू जड़ा हैगा ये थोड़े कोल ई दी पावर पाई, नीचे दो ए दे आगे लिख दें, ये अपर दा से सिस्टम आ दो हैगा ही हैगा है तुहाडे कोल, ते अपर जिहड़ी है जां दो नूं बाहर रख लैंदे आ, माइनस लोअर, लोअर दे विच उरे तुसी जीरो देना है, तो यह कॉस पाई बाई फोर बन जाएगा, कॉस पाई बाई फोर, तो उरे तुसी जीरो देना, इन्हें वन बन जाना हैगा तुहाडे कोल, इनटू टू तो हैगा ही हैगा। सो ये सिचुएशन तुहाडी इत्थे आ गई तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। हुण अगर आपां ब्रैक इत्थे देखिए, ये आ गया दो बटा अंडर रूट दो, ठीक है, ई दी पावर पाई, ये आ गया दो बटा अंडर रूट दो, सो ये आ गया माइनस दो, हाँ जी, जो पाई प्लस तीजा, तीजे दे विच तुहाडे कोल कॉस, सो माइनस वन बाय अंडर रूट टू इंटू पाई, ठीक है जी, ये इत्थे जाके प्लस हो गया, तो क्योंकि आ माइनस ने इसनों प्लस कर देना, सो ये आ गया थोड़े को दो बटा अंडर रूट दो, सो इसने इसना कट जाना माइनस प्लस, इसने इसना कट जाना, सो आंसर जीरो आ जाएगा। सो थोड़ा जे ध्यान ना करना जी, क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी, पर जोड़ा रेपीटेटिव इंटैग्रल वाला पोर्शन है ना, वह ख्याल रखना भी आ जी रकम आ जाए ना, ये आई आ माइनस होने करके उधर जाके प्लस आ गई, सो दो आई भी जे जीरो है तो आई भी जीरो ही होएगा, सो ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर टू नू खुद थोड़ा गा जहा पै गया, पर ध्यान नाल चेक कर लेना, ठीक है। हूँ आ गया आपा क्वेश्चन नंबर तीन दे उत्ते, सो क्वेश्चन नंबर तीन लै लिया जी, तो जिहड़ा क्वेश्चन नंबर तीन हैगा तुहाडे कोल उहदे विच की है बई जीरो टू वन है, x इंटू लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स, एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स हैगा जी थोड़े को, ठीक है, तो इनू आपने करना हैगा इंटैग्रेशन। सो इंटैग्रेशन करना तो फिर उही पहला ए दूजा,
क्योंकि लॉग की इंटग्रेशन तुम्हें पता नहीं। सो पहला एज इट इज़ दूजे की इंटग्रेशन, सो इंटग्रेशन जिंद इंटग्रेशन सौखी हो दूजा होंगे। सो पहला लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स, पहला एज इट इज़ दूजे की इंटग्रेशन निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव लॉग द, ठीक हो गया जी। तो आ वाला एज इट इज़, सो ये चीज़ आ गई जी थोड़े को, ठीक है। दोबारा देख लो, पहला एज इट इज़, एज इट इज़ दूजे की इंटग्रेशन, इंटग्रेशन निशानी माइनस की, पहले का डेरीवेटिव लॉग द वन ओवर एक्स डी डी एक्स ऑफ ए, आ वाला दूजा एज इट इज़ नाल डी एक्स जीरो तो वन है गई है। सो जो मैं इतने वन भरूँगा, सो वन बाय टू तो आ ही जाना हैगा, तो लॉग थ्री आ जूगा, तो जो मैं जीरो भरूँगा सब कुछ जीरो। सो यदा काम तो हो गया वेला, इतों दो आप दईए कट, सो ये जीरो तो वन आ गया, एक्स स्केयर आ गया, नीचे वन प्लस दो एक्स डी एक्स आ गया, ठीक हो गया जी। सो ए वाली चीज़ होगी जी। हुण जे ए वाली चीज़ होगी तो उपर डिग्री ज़्यादा है, उपर डिग्री ज़्यादा है तो मतलब एक ही फार्मूला हैगा थोड़े को, बाय लोंग डिवीज़न सानू क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो लो जी, लोंग डिवीज़न की करिए, एक्स स्केयर नू डिवाइड करना ये ना, सो दो नाल भी करना पड़ेगा, सॉरी वन बाय टू ना, वन बाय टू ने ये ना करी एक्स ना, सो टू ना टू कैंसल हो जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस वन बाय टू एक्स आ जाएगा, सो ये कैंसल हो गया, सो आ गया जी। अगे हरे एक्स हैगा है, सो नैगेटिव वन बाय टू एक्स बनाना, नैगेटिव वन बाय फोर ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दो एक्स फोर ना नैगेटिव ना मल्टीप्लाई करेगा तो नैगेटिव वन बाय टू एक्स आ जाएगा, माइनस वन बाय फोर, सो प्लस ए कैंसल आउट, सो वन बाय फोर, सो वन बाय टू लॉग थ्री ये आ जाएगा। हुण इहदी इंटैग्रेशन जिहड़ी है उसनू आपां तोड़ के लिख लीए, तोड़ के लिख लीए दा मतलब हैगा तुहाडे कोल वी हुण की होगा, एक बटा चार होगा, ठीक है जी। ये बहुत ध्यान नाल देखने वाली चीज़ है भी लिखना किवें हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। लोंग डिवीज़न जिहड़ा है तुहाडे कोल, ठीक है, एक बार आपां देख लीए, क्योंकि आ दो एक्स प्लस वन सी, सो सब तो पहला अंदर एक्स केयर रखना है, तो एक्स केयर बनाने लिए मैंने वन बाय टू एक्स ना टू कैंसल, एक्स केयर आ गया, आगे इन्हें गुणा खाधी, ठीक है। सो पहले वाला स्टैप पूरा हो गया, अगले स्टैप दे विच की होया तुहाडे कोल, माइनस वन बाय टू एक्स है तुहाडे कोल, ठीक है, वो आ वाली चीज़ ने इहदे नाल भी गुणा खानी है, ठीक। सो ये कैंसल हो गया, माइनस वन बाय टू एक्स, हूँ माइनस वन बाय टू जे यदा बनाना तो डेफिनेटली माइनस वन बाय फोर ना गुणा करनी पेगी, क्योंकि दो एक्स है, जिसनों कन्फ्यूजन है जी देख लो। सो माइनस वन बाय फोर अगर आप गुणा करिए तो माइनस जोड़ा एक्स बाय टू आता, सो इन्हें ये गुणा करनी है तो माइनस आजगा, तो अगे माइनस वन बाय फोर, सो रिमाइंडर बचता है, ठीक हो गया जी। जे रिमाइंडर बचता है तो हूँ लिखण का तरीका की होंगे, लिखण का तरीका होंगे पहला आ लिखी दी है प्लस फिर आ लिखी दी है डिवाइडेड बाय आ लिखी दी है, ठीक हो गया जी। सो चेक कर लो जी, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, मैं उन्होंने डिवीजन वाली स्केच अलग कर देना, वो भी तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पहला आ लिखी दी है फिर प्लस ए दे ओवर आ लिखी दी, एलसीएम लैके देख लेना सेम आ जाएगा। सो वन बाय टू लॉग थ्री हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ा हैगा इंटैग्रेशन ही करनी, हुण कुछ रहता गया नहीं, दो एक्स स्केयर बाय टू माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस एक बटा चार लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन नीचे टू, ये सारी दा जीरो टू वन, ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये सारा हुण तुसीं करना है, ये हुण मैं तुहानू जीरो ये थोड़ा होमवर्क लिखना है, वन बाय टू लॉग थ्री इहदा आंदा आ जिहड़ा हैगा, तुसीं इसनू कैलकुलेट कर लेना हैगा, ठीक है जी। सो ये वन बाय एट लॉग थ्री आएगा, आंसर देख के लिख रहे हैं क्योंकि आंसर चार टर्म हैगी, बची हुई टर्म आ, ठीक है जी। सो वन बाय टू लॉग थ्री, वन बाय एट लॉग थ्री, सो ये तुसीं जिहड़ा हैगा बनाना हैगा, अपर माइनस लोअर करके थोड़ा होमवर्क है, सो बना लेना, कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर तीन हो गया तुहाडे कोल, तो क्वेश्चन नंबर चार है जिहड़ा तुहाडे कोल, चार भी बड़ा वधिया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर विच आया पुराने जमाने च। तो क्वेश्चन की है, जीरो तो वन, तुसीं सिंपली समझो तुहानू पिछले क्वेश्चन की रिविजन करवाई जा रही है।
सो ठीक हो गया जी। थोड़े को जीरो तो वन एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स है गया थोड़े को, तो ये वाली चीज़ हैगी है, तो इनू आप ने पहला कर देना, इनू आप ने दूजा कर देना, इनवर्स में पहला रखी था। सो टेंजेंट इनवर्स पहला एज इट इज़ दूजे की इंटैग्रेशन, निशानी माइनस की पहले का डेरीवेटिव। सो जरा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू जीरो टू वन, ठीक है, निशानी माइनस की पहला तो हो गया जी जीरो टू वन, ठीक है। वन परांगे तो टेंजेंट इनवर्स पाई बाई फोर हो जाएगा, तो इंटू वन बाई टू हो जाएगा, माइनस जीरो भरेंगे भर सकते हो सीधी तुसी। सो ये चीज़ तो होगी, हुण रह गई तुहाडे कोल आह। सो वन बाई टू ये बाहर कढ़ लिए, अंदर आ गया एक्स स्केयर, नीचे एक्स स्केयर प्लस वन, नाले डी एक्स नाले जीरो टू वन। हुण जदों तुहानूं पता लग गया जीरो टू वन हैगा है, तो तुहानूं सौखा जिहा तरीका दस्सिया सी कि टर्म ही बना ली दी किदां। सो ये चीज़ आ गई जी, ठीक है। सो ये तो पाई बाई एट नाल नाल चली जाना, पाई बाई एट। सो वन बाय टू तो जड़ी आ वाली चीज़ बन गई तुहाडे कोल, इंटैग्रेशन जीरो टू वन वन माइनस एक्स स्केयर प्लस वन डी एक्स। सो पाई बाई एट माइनस वन बाय टू। सो एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स ये इंटैग्रेशन का पार्ट है। सो पाई बाई एट माइनस वन बाय टू, वन परोगे तो वन माइनस पाई बाई फोर आएगा, जीरो परोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है इन्नी लंबी चौड़ी गलबात कोई है नहीं, कि गलबात आराम नाल समझ आ रही है। तो जे हुण आपां देखिए पाई बाई एट तो हैगा ही हैगा, माइनस ए प्लस पाई बाई एट हो जूगा, माइनस वन बाय टू हो जू। सो पाई बाई फोर माइनस वन बाय टू तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन नंबर चार कर लिया आपने, थोड़े को जस्ट रेपीटिशन है इंटैग्रेशन की थोड़े को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर पाँच इंपॉर्टेंट है, इवे वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरो तो ए फाइंड ए, सो अपने आप से यूनिक क्वेश्चन है। सो थोड़ा जहा इस ध्यान ना करना, जीरो तो ए एक बटा दो प्लस अठ एक्स स्केयर डी एक्स बराबर है पाई बाई सोलह, फाइंड अपने ये करना। सो दो तीन क्वेश्चन ने दे नाल दे, सो दोनों तीनों मैं करवा दूंगा, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, एलीगेंट क्वेश्चन। सो लो जी आप वन बाय एट बार कट लिए, जीरो तो ए इतने लिखे एक्स स्केयर प्लस दो बाय अठ डी एक्स, ए आ गया पाई बाई सिक्सटीन ही रहना। सो एक बटा अठ है तुहाडे कोल जीरो तो ए, इतने एक्स स्केयर वन बाय टू द स्केयर डी एक्स पाई बाई सिक्सटीन। सो एक बटा अठ हूँ की होगा एक बटा ए, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वन बाय फोर टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बराबर है पाई बाई सिक्सटीन। सो टेंजेंट इनवर्स टू एक्स बराबर है पाई बाई फोर। एक चीज़ रह गई जी, वो की रह गई, इतने लिमिट लिखनी रह गई, इतने तक तो ठीक है सारा, इतने लाइए ठीक हो गया जी। सो ये सारी चीज़ ठीक है, वह इतने कोई चक्कर नहीं, जीरो तो ये लिखना रह गया। सो जो तो लिखना रह गया तो पास ए बन जूगा टेंजेंट इनवर्स दो ए माइनस जीरो पाई बाई फोर। सो जरा टू ए है वो वैल्यू आ जूगी टेंजेंट पाई बाई फोर, और ए की वैल्यू टू ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू वन बाय टू, ठीक हो गया जी। सो ए की वैल्यू जी हैगी वन बाय टू आ गई तो ठीक है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, सो पेपर वाला क्वेश्चन है ये थोड़े को। सो एक क्वेश्चन होर देखते हैं जी पेपर वाला। सो आ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, जीरो तो ए है तो जीरो टू ए जेड़ा हैगा है तुहाडे कोल, अपन लिखा टू ए जीरो तो पाई बाय टू, तो आ वाली चीज़ ठीक है जी। अपन ने फाइंड पता की करना, सो जो आप फाइंड करना हैगा
जीरो तो ए प्लस वन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, सो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होएगा, तुहाडे कोल पूरा फोकस करके समझना। इस तो अगले लैक्चर फिर आप बाय सब्सीट्यूशन स्टार्ट करांगे। सब्सीट्यूशन तो बाद मेरे ख्याल दो लैक्चर सब्सीट्यूशन तो ओके हो जाएंगे, सब्सीट्यूशन तो बाद फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगियां तुहाडे कोल। और पेपर लाजमी लाजमी प्रॉपर्टीज़ चो आंदा, 25 या 30 क्वेश्चन गिण के होंगे प्रॉपर्टीज़ के। सो 25 या 30 क्वेश्चन के विचों ही क्वेश्चन आ जाता है। दैन उस तो बाद श्योर क्वेश्चन जोड़ा है वो एरिया अंडर द कर्व है थोड़े को। सो लो जी, तो हूँ आपने क्या करना हैगा, आपने पहला तो ये निकालना फिर गल बनेगी ना। तो यदि वैल्यू तो 3/2 आ जाएगी, इतने 2/3 आ जाएगा, इतने 0 तो ए आ जाएगा। ठीक है जी, इतने 2a आ गया। हूँ जो साइन क्यूब आ गया, साइन क्यूब ने एवें नहीं खोलना है, तो पिछली बार दस्या सी साइन क्यूब की वैल्यू की होंगी 1/4 3 sin x - sin 3x। सो ए वैल्यू सी थोड़े पास 0 to π/2। ठीक है जी, बना के दिखाई हुई है लैक्चर, इस करके कोई बहुत ही रोड़े वाली गलबात है नहीं गी। 2/3 ए की वैल्यू 3/2 माइनस तो 0 ही आना है। सो ए बाई टू आ बन गया, हूँ इनू आपने एक्सपेंड करना, इनू ये कट दो ना, ए बाई टू आ गया। सो आगे देखो की करना है, ए बाई टू जो आ गया थोड़े को, हाँ जी हूँ असी गल करिए थोड़े को इंटेग्रेशन अंदरले पोर्शन की। तो 3 रख लो जी, साइन का माइनस कॉस एक्स कर लो, नाल दी नाल वैल्यूज़ दे चलो, फिर वही साइन का यदा जरा माइनस कॉस 3x कर दें, नीचे 3 आ जाएगा। सो 0 to π/2 इसनों भी कर दें। सो कोई लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं जी, आम जी चीज़ है, थोड़े को लिमिट्स आपने कल कल दे देती हैं। सो जरा ए बाय टू है, हूँ तुसी देखो इतने 3 है, π/2 कॉस π/2 तो पक्का जाऊगा ही जाऊगा, माइनस 3 कर देना बार, कॉस π/2 0 कॉस 0 1। सो ये वाली चीज़ होगी जी, उस तो बाद माइनस बार कढ़ दा तो प्लस हो जाऊगा 1/3, अंदर की आऊगा कॉस 3π/2 माइनस कॉस 0। सो ये भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं गई, आ देखो नैगेटिव बार कढ़िया कॉस π/2 0 माइनस कॉस 0 1, इसे तरह माइनस बार कढ़िया 1/3 पॉजिटिव कॉस 3π/2 तो माइनस थोड़े को वाली चीज़ होगी जी, थोड़े को कॉस 3x है ना, तो 3x है तो फिर जो फिल करोगे तो बनेगा ही बनेगा। हूँ अगर यदि सैटिंग करिए आपां तुहाडे कोल, इत्थे बन गया ए बाय टू, ए बन गया प्लस 3। ठीक है जी, 1/3 कॉस जड़ा हैगा है कॉस 270। अगर तुसी देखो कॉस का ग्राफ 90 तो डिगदा ऐ हुंदा, इत्थे कॉस 270 0 आ, सो कॉस 0। सो ए हैगा 1, सो ए बाय टू हो गया, अंदर हो गया 3 - 1/3, ए बाय टू इंटू 8/3। सो ए बाय टू इंटू 8/3 इज इक्वल टू 2/3 ए दी पावर 3/2। ठीक हो गया जी, इतने तक अपनी कैलकुलेशंस चली गई तो देखो, ठीक है तुहानू पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जो ज्यों ज्यों तुहानू नैक्सट वो मिली जाएगी सक्सैस फाइल, उन्हां च मैं काफ़ी चीज़ा शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स तुहानू प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, सो चलिए जी अगे अगे जो आप चले गए थोड़े को, हूँ अपने को रह के गया, हूँ अपने को सिर्फ रह गया भी 2/3 है जोड़ा नाल ए की पावर 3/2 है, ए बराबर हो गया 4/3 ए दे। ठीक है जी, सो परले पासे लै जाने थोड़े को, जे 4/3 आता कैंसल ही कर दो, 2 भी कैंसल कर दो, 3/2 - 2a इज इक्वल टू 0। सो ए बाहर कढ लो, अंडर रूट ए -2 इज इक्वल टू 0। सो या तो ए की वैल्यू 0 हो जू या अंडर रूट ए इज इक्वल टू 2 हो जू, ए दा मतलब ए की वैल्यू 4 होगी, नैगेटिव नहीं हो सकता। हूँ आप वैल्यू लभनी सी 0 तो ए प्लस 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਏ ਪਲੱਸ 1 ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 0 ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ,
वाई स्टेटमेंट देखो ना स्टार्टिंग दे विच, अगर मैं ए दी वैल्यू जीरो तो जीरो ले लाँ तो नॉट डिफाइंड, मतलब यदा आंसर ही जीरो आ जाना, सेम लिमट तो सेम लिमट तो इतना जीरो ही हो जाना, फिर आ साइड तो बचनी हुई नहीं ना, आ तो बचनी हुई नहीं, ए जीरो ले लिया तो ट्राइबल ही ट्रू है ना, सो ए जीरो तो जी हो नहीं सकता है थोड़े को, ठीक है, तो यह मतलब ए सिलेक्ट, ए तो रिजेक्टड हो जूगा, इनू आप सिलेक्ट करना, सो अल्टीमेटली साड़ी वैल्यू सानू उन्हें कहा जिहड़ी वैल्यू असी फाइंड करनी है उत्थे लिखा सी जीरो तो ए प्लस वन, ठीक है जी, ए वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जिहड़ा हैगा तो एक्चुअली ये ना तुहाडे कोल इहदी करैक्शन कर लो, ए तो ए प्लस वन, ठीक है, सो ए तो ए प्लस वन है जी, कुछ नहीं होंदा जीरो ना भी आंसर आ जाना, पर जो मान लो अपन पता भी मेरे को बुक च आंसर हैगा तो आंसर मिलान होंदा उन्दा भी करैक्शन करती, आंसर तो ये नहीं किया थोड़े को, इतने मैं जीरो ले लिया तो ए दी वैल्यू चार आ जाएगी, उरे पांच आ जाएगा, सो चार तो पांच एक्स आ जाएगा जी, डी एक्स आ जाएगा, सो यदा मतलब एक्स स्केयर बाय टू आ जाएगा, चार तो पांच आ जाएगा, ठीक है, सो वन बाय टू बाहर कर दो, पाँच दस केयर पच्ची माइनस चार दस केयर सोलह, सो नौ बाय टू आ गया, इन्ना ही आंसर है, सो ठीक है जी, सो इतने तक हो गया जी, बाकी नेक्स्ट लैक्चर सब सिचुएशन स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।